राजधानी दिल्ली में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान मेरठ की मूल निवासी मेघा जैन के रूप में हुई है। मेघा जैन मानसरोवर पार्क सरकारी स्कूल में पीजीटी शिक्षिका के पद पर तैनात थी। एक सप्ताह से शव जीटीबी अस्पताल के शव गृह में बिना पोस्टमार्टम के रखा हुआ था। शव न मिलने से परेशान परिजनों के साथ शुक्रवार को सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम ने अस्पताल के शव गृह के बाहर कई घंटे तक धरना दिया। विधायक संगीत सोम ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को एक सप्ताह तक बेटी का शव तक नहीं दिया गया और न ही चेहरा दिखाया गया। लेकिन आज सातवां दिन है इस बच्चे की हत्या हुई और सात दिन में अभी तक न पोस्टमार्टम ना कोई कार्रवाई हुई है। और पोस्टमार्टम आप देखिए कि इन लोगों को अभी तक बच्चे के दर्शन तक नहीं करने दिए और यहाँ के SDM ना फोन उठा रहे हैं किसी का और ये लोग गए तो इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो क्या दिल्ली सरकार ऐसा ही करती है? दिल्ली सरकार यही कराती है क्या? दिल्ली की सरकार देश में ढिंढोरा पीटती फिरती है सुशासन का। दिल्ली की यहाँ के एक MP जाके पूरे प्रदेश में पूरे देश में ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं बच्चियों के लिए, लेकिन दिल्ली में क्या हालत हो रही है? बच्चियों की हत्या हो रही है और उनके दर्शन तक नहीं करने दिए जा रहे हैं। एक हफ्ते से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या होगी? इसीलिए आज परिवार के लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। जब मुझे पता लगा मैं भी आया हूँ, उन्हीं के साथ हम लोग भी बैठे हैं बच्ची को न्याय दिला करें। SDM तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। SDM ने 10 बार फ़ोन करो तो एक बार फ़ोन उठाया कि साहब मीटिंग में हूँ मैं। उनकी तो मीटिंग ही इतनी रहती है, उनके लिए मीटिंग इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्ची एक यहाँ एक हफ्ते से लाश सौंटी है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पीड़ित परिवार अपनी बेटी के शव को लेने के लिए विधायक संगीत सोम के साथ धरने पर बैठा है। विधायक संगीत सोम के धरने पर बैठते ही पुलिस और दिल्ली प्रशासन में हलचल मच गई और मौके पर दिल्ली पुलिस के साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहुंच गईं। आनन फानन में मजबूर होकर प्रशासन ने शाम को मेडिकल बोर्ड बनाकर पोस्टमार्टम करवाया। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार के बयान पर पुलिस ने उसी दिन मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, मगर पोस्टमार्टम के बारे में जो देरी हुई उसके बारे में प्रशासन ही जवाब दे पाएगा। वही पीड़ित परिवार ने कहा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या कर ससुराल पक्ष आत्महत्या का रूप दे रहा है। 14 कब से बदतमीजी करता था मुझे बच्चों ने बताया नहीं, लेकिन सब कुछ सत्य भी दहेज लोभी लालची टाइप के आती समय समय में पूरी करता रहा, कोई बात नहीं है। अभी पीछे पिछले महीने में 20 दिन पहले लड़की को अकेला भेजा उन्होंने घर, ये लड़का है उस पर यहाँ गवर्नमेंट पुलिस में वो है सर्विस अकेला भेजा ही नौकरी मर ले 15 लाख रुपये पापा देखा पापा का ध्यान नहीं है वो जाओ तो बेटे को ये छोड़ दो अगर पैसे लाओ तो आ जाना नहीं तो मैं और वास्तव में उस टाइम पैसे का मतलब मेरे पास एग्जाम भी नहीं था। मैंने कहा बेटे चलो अगले महीने कुछ करता हूँ लेकिन मुझे क्या पता था कि वो माल 10 अक्टूबर की सुबह लगभग 10 बजे मेरे बेटे के फोन पर फोन करता है रोहित जैन को मोनू मेघा ने फांसी लगा दिया। हम तुरंत वहाँ चलते हैं, 14 मिनट बाद फिर उसका फोन जाता है ना वो ख़त्म हो गया है। बस हम अपनी हालत लेकर यहाँ आए, करीब 1 बजे उनके घर पर पहुँचे, वहाँ हमें उनसे कोई नहीं मिला। मेरे साथ जो भी लोग थे 10-5 उन्हें देखा तो कहने लगे भाई फांसी हो नहीं सकती क्योंकि बेड की और छत की ऊँचाई बहुत कम थी। हम जैसे नीचे आ रहे थे उनके फ्लैट से जिंदे में वहाँ औरतें खड़ी थी, उन्होंने मुझे बुलाया साइड से कहे भाई साहब तुम्हारा नाम तो लेना मत लेकिन ये इन्होंने मारी है जो मगर कैसे बन गई उन्हें सुबह जो है चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। सर हम 5 महीने मैं सबसे बड़ी खुशी अंकल है वो थर्ड नंबर की मेघा जैन की। हमारे पापा ने हमें सबको पढ़ाया पाँचों को, 3 गवर्नमेंट जॉब में वो भी गवर्नमेंट जॉब में थी, इंग्लिश टीचर की टीचर थी। इतना सब कुछ करते हुए आज मेरे पापा के दिन देखने पड़ रहे हैं। अब हमें खबर आती है कि वो मर गई और हमें आज तक उसे ये नहीं पता वो है भी या नहीं है, उसकी लाश है भी या नहीं है। अंदर मोर्चरी में बंद है, हमारे आने से पहले मोर्चरी में बंद हो गई और हम यहाँ बैठे हैं ना उसके दर्शन कर सकते हैं ना पोस्टमार्टम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। पागलों की तरह भटक रहे हैं इधर उधर। उसकी हत्या करके उसे फांसी का रूप लेने की कोशिश करी है, वो
हमें चाहते हैं, उन्हें लगता ही है शायद कि हम लोग इतनी दूर से हैं, हम केस नहीं लड़ पाएंगे, पैसे वाले भी बहुत हैं। पता नहीं किस तरह के दबाव में प्रशासन है कि SDM तहसीलदार कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है, हमें धक्के दिए जा रहे हैं, सातवें दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, और जिस तरह उन्होंने आत्महत्या का रूप दिया है, हमें मिलने नहीं दिया गया। पोस्टमार्टम ना होने के पीछे भी कहीं ना कहीं यही कारण है, वो सबूतों को मिटाने की साजिश कर रहे हैं और हमारी बहन आत्महत्या कर ही नहीं सकती। फिलहाल पुलिस ने शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से मृतका का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मेघा जैन ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई। योगेश कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।